किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, फिटकरी का बहुत सारे किसान भाई अपनी फसलों के अंदर उपयोग करके कुछ लाभ ले रहे हैं, उनको काफ़ी फायदे देखने को मिल रहे हैं। देखिए, फिटकरी के उपयोग से बेशक बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं अपनी फसलों के अंदर, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो इसलिए फायदों के साथ साथ नुकसान आप भी आपको से आपको अवगत होना चाहिए, नुकसान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम फायदे के साथ साथ नुकसान के बारे में भी जानेंगे, हम समझेंगे फिटकरी के क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, फिटकरी की खास बात यह होती है कि वो सस्ते में हमें मिल जाती है और हर घर में लगभग अवेलेबल होती है, सस्ते में मिल जाती है और उसे यूज करना भी इजी होता है, आसान होता है। और इसके बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। यदि आप सही तरीके से यूज करते हैं तो बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे, और यदि गलत तरीके से यूज करते हैं तो नुकसान भी आप झेल सकते हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए कि फिटकरी का सही उपयोग किन किसानों को प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, जिससे आपको उसके कोई नुकसान झेलने को ना मिले। तो जो फिटकरी है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। देखिए, फिटकरी को हम अंग्रेजी की बात करें तो एलम अंग्रेजी में कहा जाता है, और इसका जो फिटकरी का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अब आप इससे समझ सकते हैं कि पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, तो फिटकरी के अंदर तीन चीज़ें हो गई, एक तो पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और तीसरा सल्फेट यानी कि सल्फर हो गया। तो इसके अंदर पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फर तीन तत्व हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए, फिटकरी का उपयोग बहुत सारे किसान भाई अपने खेतों के अंदर उपयोग कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर धान के अंदर किया जाता है, लेकिन और भी जो हमारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनके ऊपर भी, उनके अंदर भी जो फिटकरी का उपयोग है वो कर सकते हैं। देखिए, फिटकरी के उपयोग से, देखिए फिटकरी के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और ये कुछ कीटों को भी कंट्रोल करता है। तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत सारे जो कीट हैं उन पर भी ये काम करता है। देखिए, फिटकरी जो हम फिटकरी की बात कर रहे हैं वही साधारण फिटकरी होती है जिसका उपयोग हम घर में भी करते हैं, और फिटकरी का उपयोग सौंदर्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो आपके घर में भी जब हम शेविंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद हम फिटकरी यूज करते हैं अपने फेस पर, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है वो ना हो। तो ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है, फंगस को भी कंट्रोल करने का काम करती है, कीटों को भी कंट्रोल करने का काम करती है। देखिए, फिटकरी के यदि हम फायदों की बात करें तो देखिए, जब हम फिटकरी का उपयोग अपने खेत के अंदर करते हैं तो ये फिटकरी क्या करती है कि जो हमारी सॉइल का जो पीएच है उसको कम करने का काम करती है। क्योंकि देखिए, इसके अंदर एल्युमिनियम होता है, सल्फर होता है, सल्फर पीएच को कम करता है, एल्युमिनियम भी जो पीएच है उसको बहुत तेजी से कम करता है। आपने देखा होगा जो एसिडिक सॉइल होती है उनमें एल्युमिनियम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जब जो एसिडिक सॉइल होती है उसमें एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि एल्युमिनियम ज़्यादा होने के कारण पौधे को ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, पौधे में उसकी टॉक्सिसिटी होती है, पौधा पीला पड़ के सूखने लगता है। तो उसी तरीके से, क्योंकि जैसी हमारी सॉइल का पीएच हाई है, 7 से ऊपर है, तो ऐसे किसान यदि जो फिटकरी है उसका उपयोग खेत में करते हैं तो उससे क्या है कि ये पीएच को बहुत तेजी से कम करता है। जब पीएच कम हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे जो पौधे हैं वो आसानी से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाते हैं। देखिए, हाई पीएच में क्या होता है कि जब पीएच 7 से ऊपर होता है तो हमारे पौधे जो पोषक तत्व हैं उनको नहीं ले पाते हैं, जिससे ना पौधे की ग्रोथ आती है, पौधे में पीलापन देखने को मिलता है, तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम फिटकरी चलाते हैं तो ये जो पीएच है उसको बहुत तेज़ी से कम करता है, जिससे जो पौधे हैं वो आसानी से न्यूट्रिशन को ले पाते हैं, जो हमारे पोषक तत्व तो फिक्स फॉर्म में पड़े हैं उनको भी ये आसानी से ले पाते हैं। क्योंकि जब सॉइल एसिडिक हो जाती है थोड़ी सी, यानी कि सॉइल का पीएच कम हो जाता है, तो पौधे पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाते हैं, जिससे फसलों की अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ये कुछ मात्रा में सल्फर, पोटेशियम, एल्युमिनियम हमारी सॉइल में ऐड करता ही है। तो पोटेशियम और सल्फर आप जानते ही हैं, वो अपने आप में एक पोषक तत्व है, पौधे के लिए जरूरी आवश्यक पोषक तत्व है। तो आपको ये समझना चाहिए कि यदि आपकी सॉइल का पीएच 7 से ऊपर है या 7 है, तब उस कंडीशन में आप जो फिटकरी है उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी सॉइल पहले से ही एसिडिक है और उसमें यदि आपने फिटकरी का उपयोग किया
तो क्योंकि आपकी सॉइल एसिडिक है उसमें एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी पहले से होगी और आप फिर फिटकरी का दे रहे हैं, एक तो पीएच कम होगा और उसमें सॉइल में एल्यूमिनियम और जा रहा है, तो इससे आपकी फसल की ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, फसल उसमें खेत में अच्छी नहीं होगी, बहुत बड़ा लॉस आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको समझना है कि यदि आपकी मिट्टी का पीएच 7 से ऊपर है तभी आपको फिटकरी का उपयोग करना है। देखिए फिटकरी के उपयोग से एक तो सॉइल का पीएच मेंटेन होता है जिससे पौधा आसानी से सभी न्यूट्रिशन ले पाता है, पोषक तत्व ले पाता है, फसल हमारी हरी भरी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ये फिटकरी क्या करती है कि ये सॉइल में जाकर के दीमक को भी नष्ट करती है और भी जो हमारे ग्रब्स होते हैं, रूट ग्रब्स होते हैं, उनको मारने का जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करती है, उनको ये ख़त्म कर देती है। उसके साथ साथ ये चींटी को भी भगा देती है, चींटी आपके खेत में नहीं मिलेगी तो फिटकरी के यूज के बाद, तो ये जो कीट हैं उनको भी कंट्रोल करती है। उसके साथ साथ देखिए फिटकरी फंगस को भी कंट्रोल करती है हमारे खेत के अंदर। स्पेशली देखिए मान लीजिए आपका पौधा एकदम से सूख रहा है, मुरझा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि पौधा एकदम से सूखने का कारण, मुरझाने का कारण होता है कि पौधे की जो जड़ों हैं उनमें फंगस का अटैक हो चुका है, तो उसकी वजह से जो पौधा है एकदम से मुरझाने लगता है, सूखने लगता है जब जड़ों के अंदर फंगस का अटैक हो जाता है, तो उसमें फिटकरी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। आप फिटकरी खेत में चला दीजिए तो उससे क्या होगा, वो फंगस को एकदम से कंट्रोल कर देती है, तो आप देखेंगे कि आपका जो मुरझाया हुआ पौधा है वो भी हरा भरा होने लगेगा, वो भी उसकी ग्रोथ आने लगेगी। तो ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है फिटकरी का जब हम इसको सॉइल के अंदर चलाते हैं। तो लेकिन चलाना कैसे, किस कंडीशन में, जब सॉइल का पीएच 7 से ऊपर हो या 7 हो तो उस कंडीशन में चलाना है, अदरवाइज आपको फिटकरी का उपयोग नहीं करना है। और बहुत सारे किसान भाई फिटकरी का उपयोग स्प्रे में भी करते हैं। देखिए स्प्रे में उपयोग फिटकरी का आप ना ही करें, क्योंकि आप स्प्रे में जब फिटकरी का उपयोग करते हैं तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है जो आपकी पत्तियों को बर्न कर सकता है, जला सकता है। मान लीजिए आप कम डोज के साथ फिटकरी का स्प्रे कर रहे हैं तो जो कीट है वो कंट्रोल नहीं होंगे, और यदि डोज ज़्यादा दे रहे हैं तो उससे आपकी जो पत्तियाँ हैं वो बर्न हो जाएंगी, ये क्लोरोफिल को भी बर्न कर देता है पत्तियों में, जिससे हमारा पौधा झुलस जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो स्प्रे में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फिटकरी का यूज करें, आप बिल्कुल भी फिटकरी का यूज ना करें स्प्रे के अंदर। लेकिन हाँ, सॉइल का पीएच 7 है, 7 से ऊपर है, तो आप जो आपकी मिट्टी है या पानी के साथ आप उसको जो फिटकरी है उसको चला सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे फसल के अंदर। और फिटकरी आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ती है, इसका मात्र 1 किलो की हम बात करें तो लगभग 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी मार्केट में, 100 से 120 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और इसको यूज करना भी आसान होता है, आप 1.5 से लेकर 2 किलो फिटकरी लाइए और आप 1 एकड़ के खेत में उसको चला सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक जाली वाला कपड़ा लें या कोई कट्टा जो आते हैं आलू वाले, तो उसमें नेट होता है तो उसके अंदर उसको डालें आप फिटकरी को जो आप 1.5 से 2 किलो लाए हैं, और उसको आप जो हमारा मेन चैनल होता है जहाँ से पानी जा रहा होता है पूरे खेत में, आप उसमें डाल दें तो वहाँ से वो पानी में घुल घुल करके पूरे खेत में फिटकरी जाती रहेगी। तो आपको इससे मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस फिटकरी लाओ और पानी के उसमें जहाँ पानी आप चला रहे हो उसमें डाल दो, तो इजीली फिटकरी पूरे खेत में फैल जाएगी और जिससे जो फंगस है, दीमक है या अन्य जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, सॉइल का पीएच भी जो है वो कम हो जाएगा। तो देखिए इससे क्या होता है कि ये जो रूट्स हैं, रूट्स को एक तो हेल्दी कर देती है कि उसमें इंसेक्ट का अटैक नहीं बचता है, फंगस को ख़त्म कर देती है, तो जो रूट्स हैं एकदम हेल्दी हो जाती हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारा सॉइल का पीएच है उसको डाउन कर देती है, जिससे रूट्स आसानी से जो पोषक तत्व वो ले पाती है। तो जब पौधे की रूट्स एकदम हेल्दी हो जाएंगी और उनको सभी पोषक तत्व आसानी से मिलेंगे तो पौधा हमारा तेजी से ग्रो करता है, हेल्दी ग्रो करता है, पौधा हरा भरा रहता है, उसका प्रोडक्शन हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप जो फिटकरी है उसका उपयोग कर सकते हैं सॉइल के अंदर, लेकिन स्प्रे में आप बिल्कुल भी उपयोग ना करें। और देखिए उसके साथ साथ यदि आप गमलों में फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं तो गमलों में उपयोग करने की जो डोज है आप क्या करेंगे कि फिटकरी को बारीक पीस लेंगे, कूट लेंगे, बारीक उसको करने के बाद 1 चम्मच फिटकरी 1 लीटर पानी में डाल करके घोलेंगे और उसको गमलों में आप जैसे आप पानी देते हैं उस तरीके से पानी दे देंगे, तो इससे जो आपके गमले का जो पौधा है अगर वो सूख रहा है, उसकी जड़ों में फंगस है,
वो ठीक हो जाएगी और आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो उसको डाउन करेगा, जिससे पौधा आपको हेल्दी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट भी हमें इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए, फिटकरी का उपयोग आप कभी भी जरूरत से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आप जरूरत से ज़्यादा फिटकरी का उपयोग करेंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम होता है, वो ज़्यादा मात्रा में हमारी सॉइल के अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा कि एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी हमारे खेत के अंदर हो जाएगी, जिससे हमें उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हाँ, आप जरूरत से ज़्यादा फिटकरी उपयोग ना करें। हाँ, एक या दो बार आप उपयोग कर सकते हैं एक फसल के अंदर, उससे ज़्यादा आपको उपयोग नहीं करना है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।